स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? ए. ये सर फ्रेडरिक बेंटिंक का जन्मदिन है। बी. यह इंसुलिन की खोज का प्रतीक है। सी. ये हु की स्थापना तिथि है। डी. यह IDF की स्थापना तिथि है। आंसर ए. ये सर फ्रेडरिक बेंटिंक का जन्मदिन है। एक्सप्लेनेशन, ये तिथि सर फ्रेडरिक बेंटिंक के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। इस खोज ने मधुमेह को एक घातक बीमारी से एक ऐसी बीमारी में बदल दिया जिसे अब नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बेंगलुरु। बी. इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। सी. प्रगति मैदान नई दिल्ली। डी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई। आंसर सी. प्रगति मैदान नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 14 से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस मेले में देश के सभी राज्यों के साथ साथ कुछ विदेशी देशों के स्टॉल भी शामिल हैं। इस मेले का विषय विकसित भारत @2047 है। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बी. मनोज वाजपेयी। सी. विक्रांत मैसी। डी. पंकज त्रिपाठी। आंसर डी. पंकज त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन, बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाता है। इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? ए. जयपुर। बी. चंडीगढ़। सी. लखनऊ। डी. नागपुर। आंसर बी. चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। ये चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. गैंगटॉक। बी. ईटानगर। सी. लेह। डी. श्रीनगर। आंसर सी. लेह। एक्सप्लेनेशन, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन AMF के बीच एक समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए गए हैं।